सब्सक्राइब कीजिए एमके फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ सच्चाई के बारे में जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हो। तो आप ऐसे देखते हो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए, उन प्लेटफॉर्म के अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। जो लोग टाइप करते हैं वो टेक्स्ट अलग अलग कैटेगरीज में देखने को मिलते हैं और काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी कूल भी होता है वो टेक्स्ट। तो आप भी सोचते हो कि मैं अगर इसी तरीके से टेक्स्ट को टाइप कर सकता तो कितना मज़ा आता, तो ऐसे में आप भी कर सकते हो। वेल, कैसे, अगर आपको जानना चाहिए तो ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको और इससे बता दूं कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर बुरा लगे तो बाद में डिसलाइक कर देना, बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले थे कि टेक्स्ट के बारे में, कि आप अपने फ़ोन के अंदर कैसी किस तरीक़ों से प्रोफेशनल तरीक़ों से स्टाइलिश टेक्स्ट को इंटर कर सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप पर आप एनी टाइम यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो उस टाइम पर आपको कीवर्ड जो होते हैं टाइप करना, वो स्टाइलिश तरीक़ों से आप टाइप कर सकते हो इजी तरीक़ों से। तो आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक पोल दूंगा आप लोगों को, उस पर आपको वोट देना है और आप इस वीडियो के अंदर नीचे कमेंट करना है कि आप मेरे फेस कैम जो वीडियो है वो वीडियो देखना पसंद करोगे या फिर सिर्फ मैं जो पहले वीडियो बनाया करता था कि सिर्फ मोबाइल टाइप हो रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे हैं और उसके अंदर मैं वॉइस दे रहा हूँ, तो उस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करोगे या फिर फेस टू फेस, यानी जो आप इस वीडियो को देख रहे हो कि इस तरीक़ों से ये वीडियो आप देखना पसंद करोगे, मतलब फेस कैम की वीडियोस आप देखना पसंद करोगे, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस, मैं वीडियो के अंदर बताने वाला था कि आप किस तरीक़ों से स्टाइलिश तरीक़ों से आप अपने फ्रंट जो होते हैं उसे कैसे टाइप कर सकते हो टेक्स्ट वगैरह को। ओके, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को बताते हैं कि स्टाइलिश तरीक़ों से आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ यूट्यूबर कहते हैं लाइक करो, कमेंट करो, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा, बट मुझे ये सब नहीं करना है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ऑटोमेटिकली लाइक करोगे, कमेंट करोगे आप लोग, अगर वीडियो बुरा लगे तो डिसलाइक करोगे, ये कोई मतलब नहीं है मुझे। ओके, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और इसी तरीक़ों से स्टाइलिश टाइप करने के लिए। तो उस एप्लीकेशन को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखना होगा। सॉरी गाइस फॉर कॉल। ओके, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करना होगा। तो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हो कि उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप क्या क्या कर सकते हो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करने के बाद अपने फ़ोन के अंदर जीवर्ड का जो आप कीवर्ड यूज़ करते हो उसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट उस एप्लीकेशन को सेंड करना होगा, यानी सेट करना होगा। सेट करने के बाद आप लोगों को वो डिफ़ॉल्ट सेट करने के बाद आपको जब प्रेस करोगे उसके अंदर आपको कुछ फैसिलिटीज देखने को मिलता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे कहने के बजाय मैं आप लोगों को डायरेक्ट उस एप्लीकेशन के अंदर लेके चलता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन का यूज़ क्या है और किस तरीक़ों से आप इसे यूज़ कर सकते हो प्रोफेशनल तरीक़ों से। ओके, तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है स्टाइलिश फ्रंट कीबोर्ड। तो यहाँ पर आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, प्ले स्टोर के अंदर जाके आपको सर्च कर देना है स्टाइलिश फ्रंट कीबोर्ड। तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, इसे ओपन करना होगा। इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद बस आपको स्टाइलिश फ्रंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश, ये आपको सिलेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद आप लोगों को कीवर्ड्स की साउंड ये है जो आप सेटिंग्स करना चाहते हो, सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, चाहे आप व्हाट्सएप पर जाओ, चाहे यूट्यूब पर जाओ, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैसेज टाइप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा कीवर्ड का। तो यहाँ पर आप लोग फाइनेंस से टेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा।
उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइनेंस टेक्स्ट यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा जो भी आप चाहो टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक चूज़ कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लवली वर्ड्स, तो ये मैंने चूज़ कर लिया। एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ, देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दिया ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MKFACTZ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइपिंग का बहुत ही अलग अंदाज हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं और भी और एक्सिस टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो टाइपिंग का स्टाइलिस्ट है वो चेंज होके आ गया है। तो आप भी इसी तरीके से और भी यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस दिया गया है, जैसे कि ये ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये आप टाइप करोगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो भी आप टाइप करोगे यहाँ पर सिलेक्ट करके उस तरीके से आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकोगे, टेक्स्ट को आप कीवर्ड पर प्रेस कर पाओगे। आप चाहे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर पाओगे। और लोगों को दिखा सकते हो कि यार आप प्रोफेशनल तरीक़ों से टेक्स्ट को यूज़ करते हो, और लोग ध्यान रह जाएंगे कि हाँ यार तुमने कैसे किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको सारे प्रोसेस कैसे करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट शेयर तो ज़रूर करना। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपडेट करते रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।